पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस का हमलावर होना स्वाभाविक है और विपक्ष का दायित्व भी है। इसी के चलते भोपाल में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर आम लोगों की प्रतिक्रिया लेने अचानक पेट्रोल पंप पहुंच गए। पेट्रोल पंप पर अचानक पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को देखकर पहले तो लोग हैरान हो गए, बाद में लोगों को समझ में आया कि वे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने वहां मौजूद लोगों से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर उनकी राय जानी। उन्होंने लोगों से जाना कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का क्या असर हो रहा है, इन दामों को कम होना चाहिए कि नहीं। पेट्रोल डीजल भरवा रहे लोगों ने भी उनकी इस मुहिम का समर्थन किया है। इस मौके पर जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी जी और शिवराज जी तो जनता से वादा करके आए थे कि 35 में डीजल पेट्रोल मिलेगा, लेकिन अब 100 रुपए करने की तैयारी हो रही है। महामारी के इस दौर में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाना चाहिए और लोगों को राहत मिलना चाहिए। इस मुहिम में आम लोग जीतू पटवारी के साथ दिखाई दिए। 100 में से 100 लोग दलगत राजनीति से, विचार से, जात पात से, धर्म से, गरीब अमीर से ऊपर उठकर एक ही बात कि मोदी जी ध्यान दो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। शिवराज सिंह जी, आपने तो वादा किया था मोदी जी ने 35 रुपये में डीजल पेट्रोल करूंगा, आप तो इसको 100 रुपये पे ले जाने लगे, तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। ये मैं समझता हूँ सब लोग इससे सहमत होंगे जो पेट्रोल डीजल भरा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये भावना आज की मोदी जी देश की राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर महंगाई कम करो। देश भयावह स्थिति में, मिडिल क्लास भयावह स्थिति में, जब लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था मंदी हुई तब आपको बढ़ाना घटाना था रेट, सहायता करनी थी जनता की, तो आपने रेट बढ़ा दिए, महंगाई के चाबुक मार दिए, जो गलत है। बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, महामारी चल रही है और लॉकडाउन की वजह से किसी के काम कैसे हैं कैसे नहीं है, तो मोदी जी को समझना चाहिए। मिडिल क्लास वालों को भी दिक्कत हो रही है, हाई क्लास वाले तो सब मैनेज कर रहे हैं और यहाँ जनता को सब कुछ देखना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।